फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच बनाएंगे नमक पारे। जो नमक पारे मैदे से हम बनाएंगे, ऐसे हम सूजी से भी आप लोगों को दिखाए हैं बना करके, आप लोग बना के खाए होंगे भी। निमकी भी हमने बनाए हैं, आप लोग हमारे वीडियो पर देख सकते हैं जाके। तो आज हम बनाएंगे नमक पारे, जो खाने में बच्चों को भी बड़ों को भी चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करें। यहाँ पे नमक पारे बनाने के लिए फ्रेंड्स हम अच्छे से मैदा को छान लिए हैं और क्वांटिटी में कम से कम ये 500 ग्राम होंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल में ले लेते हैं नमक पारे बनाने के लिए। नमक पारे बनाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन डायमंड शेप्स इस टाइप में बनाएंगे, 25 ग्राम के करीब था। तो इनमें हम ले लेते हैं अजवाइन, हाथ से क्रश कर लिए हैं, और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे हम लेंगे सरसों का तेल मोयन के लिए। सरसों का तेल में इनका स्मेल बहुत हार्ड होते हैं, तो हम इनको पहले से गर्म करके ठंडा कर लिए हैं। तो क्वांटिटी में ये 4 चम्मच होंगे, इनको हम ले लेते हैं। सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, यहाँ पे सरसों के तेल खाना उचित रहेगा। फ्रेंड्स, हम लोग सरसों के तेल ही खाते हैं। इनको अच्छे से हम पहले मोयन कर लेते हैं इस तरह से। तो अच्छे से मोयन हो गए हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये 1 कप पानी है, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, बस एक साथ नहीं लेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हम देखिए कितना बढ़िया से इनका डो हम लगा ले रहे हैं। थोड़ी सी हथेली की मेहनत लगेंगे इससे, तो यहाँ पे आप आराम आराम से डो लगा लीजिए। 1 से 2 टेस्पून पानी हम और लेंगे, बस देखिए एकदम थोड़ा सा। अब हम पानी नहीं लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इनको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ढक करके। 5 मिनट बाद हम मिलते हैं फ्रेंड्स। 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम थोड़ी सी और मिला लेते हैं, और हम ले लेते हैं चॉपिंग बोर्ड। बस इनको 4 भाग में काट लेते हैं, 4 भाग में से 3 भाग को हम फिर से झाड़ रख देंगे। ध्यान रहे उनको सूखने मत दीजिएगा, हवा लगेगा तो सूख जाएंगे। अब इनको हम थोड़ा सा मसल के एक पेड़ा का काट दे देते हैं इस तरह से। और हम यहाँ कोई डस्टिंग नहीं लेंगे, ना कोई तेल लेंगे, चाकू की सहारा लेंगे। तो बस ये वाला है जो हम इनको कट कर देते हैं। यहां से हम शुरू कर देते हैं। देखिए सारे को हम एक बॉल में उठा लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया से ये है, हम आपको बारीकी दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया से फ्रेश है। यहाँ पे दूसरा बैच भी हम फ्रेश कट कर लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उधर गैस पे हम तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं, और एक साथ ज़्यादा मत रखिएगा ना, तो ये चिपक जाएंगे। तो अब हम सीधे तेल में इनको हम फ्राई करेंगे, बारी बारी से अलग अलग थोड़ा सा रख लेते हैं बॉल में, और बाकी को हम फ्राई करेंगे। तो हम देख लेते हैं फिर नमक पारे डाल करके तेल में। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म है फ्रेश, देख सकते हैं आप ऊपर आ गए हैं। इस तरह से करके डालेंगे हम तेल में, ताकि चिपके। और इनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आप हिला दीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस तरह से हिला दीजिए और इनको आराम से क्रिस्पी तक पकने दीजिए। यहाँ पे 5 मिनट बाद हम इनको चला रहे हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये ब्राउन ब्राउन हो गया। तेल से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी इस तरह से हम थोड़ी सी तेल इनमें रहने देंगे। ये देखिए इनका आवाज़, बोलिएगा तेल क्यों मैम, क्योंकि इनको हम बनाने वाले हैं चटपटा, तीखा और स्वादिष्ट, जो कि आपको भी देखते देखते मुंह में पानी तो आएगा फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से जाइए किचन में, फटाफट जितना मैदा है आपके पास बना लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए इस तरह से हम सबको निकाल लेंगे फ्रेंड्स।
यहाँ पे हम दूसरा बैच भी रेडी कर लिए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम मैदे से कितना सारा बना है और कितना खनक है इन्हें। तो सबसे पहले सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे ले लेते हैं आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, और हम ले लेते हैं यहाँ पे काला नमक आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, जो कश्मीरी है ये तीखा नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम लेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मतलब आधा छोटा चम्मच से कम, और लेंगे हम धनिया पाउडर भर के एक चम्मच, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेश। और अब हम लेंगे थोड़ी सी गोलकी पाउडर चुटकी भर, होम मेड जीरा भुंजा हुआ, जीरा पाउडर अब इनको हम अच्छे से मिला देते हैं। ध्यान रहे कि आप डायरेक्ट मसाला डाल करके इस तरह से ना करें, नहीं तो आँख में लग सकते हैं। और नमक पारे तो बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, आप भी बनाइए फ्रेंड्स फटाफट। तो नमक पारे बनकर तैयार है फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इन्हें चाय के साथ या कोई मेहमान आए उनके साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले फ्रेंड्स। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, हमारी वीडियो के नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।